नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल आपको करवाता है भारतीय तीर्थ स्थलों के दर्शन, साथ में आपको खाने की और रहने की बढ़िया सुविधा के बारे में बताते हैं। और आज का जो हमारा एपिसोड है ये बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के पुष्कर में। और पुष्कर में स्थित है भगवान ब्रह्मा जी का सबसे प्राचीन मंदिर। और ये पुष्कर की जो हम यात्रा कर रहे हैं ये हमारी होगी 2 दिन और 1 रात की। पुष्कर में भगवान ब्रह्मा जी के अलावा और भी बहुत से मुख्य मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों के दर्शन किस तरह से किए जाएं। और पुष्कर के मुख्य ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पर देसी व्यंजनों का जायका दिखाएंगे और साथ में यहाँ पर रहने की व्यवस्था के बारे में बताएंगे। तो इस समय हम पुष्कर के बाजारों में खड़े हैं, और ब्रह्मा जी मंदिर के दर्शन करने के लिए आप कहीं से भी आते हैं तो आपको ये पुष्कर के रंग बिरंगे बाजारों में से होकर गुजरना पड़ेगा। राजस्थान की प्राचीन परंपरा है, उसके आपको दर्शन यहाँ पर इन बाजारों में होंगे। जिस तरह से प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है, उसी तरह पुष्कर को तीर्थों का गुरु कहा जाता है। आज आपको दर्शन करवाते हैं राजस्थान के, भारत के एकमात्र ब्रह्मा जी के मंदिर में, जो कि ब्रह्मा जी का इस पृथ्वी पर सबसे प्राचीन निवास स्थान है। सबसे पहले मंदिर तक पहुंचेंगे तो मंदिर के बिल्कुल मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 40 से 50 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ेगा। और ये मंदिर के जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो यह ब्रह्मा जी का मंदिर भारत के बाकी सभी तीर्थ स्थलों से अलग है। सबसे पहले तो आप जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ पर नीले रंग का जो पेंट है वो दिखाई देगा मंदिर की दीवारों पर, जो कि अमूमन आपको किसी भी भारतीय मंदिर में नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ब्रह्मा जी का ये मंदिर एक पूरा एक रहस्यमय लोक की तरह दिखता है। आपको एक एक करके ब्रह्मा मंदिर की सारी विशेषताएं बताएंगे। सबसे पहले करते हैं भगवान ब्रह्मा जी की 4 मुख वाली प्रतिमा के दर्शन। यहाँ पर वो गर्भगृह में माँ गायत्री देवी जी के साथ स्थापित है। पहली विशेषता, जैसे ही आप मुख्य प्रवेश द्वार से होकर ब्रह्मा जी की जहाँ पर प्रतिमा है वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको एक तरफ भगवान इंद्र और दूसरी तरफ भगवान कुबेर की जो प्रतिमा है वो दर्शन देते हुए दिखाई देगी। और ये भी आपको भारत के किसी भी मंदिर में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी विशेषता, पुष्कर के इस ब्रह्मा मंदिर में ब्रह्मा जी की जो प्रतिमा है वो 4 मुख के साथ है। तो एक और विशेष बात, जो यहाँ पर आके श्रद्धालु दर्शन करें भगवान ब्रह्मा जी के, तो यहाँ पर जो हमने 4 मुख कहा है, सामने तो आपको 3 मुख दिखाई देंगे, जो चौथा मुख आपको दर्शन करने हैं वो ब्रह्मा जी की प्रतिमा के पीछे जो शीशा लगा हुआ है उसमें आपको देखना है, वहीं पर आपको चौथे मुख के दर्शन होंगे। जो भगवान का श्री विग्रह है यानी मूर्ति है, उसके 4 दिशा में 4 मुख हैं। पूर्व दिशा में जो मुख है उसको षष्ठी मुख कहते हैं। ज्ञान और सृष्टि का उद्भव पूर्व मुख से हुआ, इसका नाम षष्ठी मुख है। दूसरा मुख है वो है आपका चिंतन मुख है। जो पश्चिम वाले मुख है वो समाधि मुख है। चौथा मुख है जो है इधर उत्तर की तरफ है वो बाल मुख है, क्योंकि ब्रह्मा की आयु बहुत लंबी होती है। चारों कल्प सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों 1000 साल बीतते हैं तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है। आप देखेंगे तो 3 जो चेहरे हैं वो आपको सामने की ओर दिखाई देते हैं और 1 चेहरा आपको पीछे की ओर दिखाई देता है, जो कहीं ना कहीं जीवन की 4 अवस्थाएं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन 4 आश्रमों को इंगित करते हैं। तीसरी विशेषता, तो एक और खास बात, ब्रह्मा जी के जब आप दर्शन कर रहे होंगे तो गर्भगृह के बिल्कुल बाहर आपको ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के दर्शन भी आपको यहाँ पर होंगे। चौथी विशेषता, इस ब्रह्मा मंदिर की जो स्थापना है वो शंकराचार्य द्वारा 700 ईस्वी में की गई थी। 713 ईस्वी में आदि शंकराचार्य जी ने इसका जीर्णोद्धार कराया था और बाद में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया था। वर्तमान में जो स्वरूप आपको दिखाई देता है जो प्रकोटे पर अवस्थित है, आप इसको अगर बाहर से देखेंगे तो बुर्ज और किलेनुमा मंदिर की संरचना दिखाई देती है। जहाँ पर ब्रह्मा जी की प्रतिमा है 4 मुख वाली, उसके बिल्कुल सामने ही जो ब्रह्मा जी का वाहन है हंस के भी आपको दर्शन वहां पर होंगे। हंस की एक विशेषता होती है कि वो दूध और पानी को मिला के रख दो आप तो वो दूध दूध को पी लेता है और पानी पानी को छोड़ देता है। इसे कहते हैं नीर क्षीर विवेक। तो ज्ञान तो हमने सुन लिया, पढ़ लिया, किताबें पढ़ ली, लेकिन विवेक हुआ कि नहीं हुआ, तो नीर क्षीर विवेक के द्वारा हंस उसका प्रतीक है। ब्रह्मा जी के बगल में ही माँ गायत्री देवी जी के भी दर्शन जरूर करिएगा। ब्रह्मा जी के साथ में बगल में दाहिनी ओर वेद माता गायत्री विराजित है। ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी रत्नागिरी पर्वत पर विराजित है, जिनका नाम सावित्री माता है।
तो ये तो हो गए भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन। अब इसके बाद हम करेंगे माँ सावित्री के दर्शन। सावित्री माता का जो मंदिर है वो ब्रह्मा मंदिर के बिल्कुल पीछे है, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। तो सावित्री मंदिर एक रत्नागिरी हिल पर स्थापित, वहां तक पहुंचने के लिए लगभग आपको 800 से 900 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। बहुत भीड़ आती है इस मंदिर में भी, तो यहां पर इसलिए अभी कुछ समय पहले रोपवे का भी यहां पर प्रबंध किया गया है। आप रोपवे से भी आ जा सकते हैं, और अगर आपकी श्रद्धा सीढ़ियों से जाने की है तो सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। सीढ़ियों से जाने में लगभग आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है, और रोपवे से आपको 15 मिनट लगेंगे। तो जो यहाँ पे हमने टिकट खरीदी थी, इसका जो प्राइस है टू एंड फ्रो का वो 153 है, आने जाने का जो 153 है। और अगर कोई आदमी एक साइड से आना जाना चाहता है तो उसका अलग से 100 रुपया है एक साइड के लिए। तो वहाँ पर ऊपर जाकर आपको दर्शन होते हैं, वो होते हैं सावित्री देवी के। तो इसके अलावा जो सावित्री देवी मंदिर से पुष्कर का आपको सबसे बेस्ट सीनिक व्यू मिलेगा, आप वहां पर जाकर आधा घंटा तो सिर्फ सीनिक व्यू ही देखते रहते हैं। सावित्री मंदिर के ऊपर से ही आपको जो पुष्कर झील है वो भी दिखती है, और यहीं से आपको मंदिर भी दिखता है। तो सावित्री मंदिर में आपको बहुत सारे बंदर भी दिखाई देंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बचकर रहना है इन बंदरों से। माँ सावित्री देवी जी के दर्शन हमने कर लिए हैं। तो माँ सावित्री देवी जी का जो मंदिर है ये ब्रह्मा मंदिर के 400 मीटर दूर है, तो एक तरह से पुष्कर के थोड़ा सा जो बाहर पड़ जाता है। तो अभी हम जो पुष्कर के बाकी मंदिरों के दर्शन करेंगे उसके लिए हम वापसी में पुष्कर में जा रहे हैं। तो हम पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर जो पुष्कर के देसी ठाट व्यंजन है उनका हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो यहाँ ब्रेकफास्ट में आपको मुख्य व्यंजन खाने को मिलेंगे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पर। सबसे पहले तो है कड़ी पकौड़ी, सुबह 7 बजे इनकी दुकान खुल जाती है, और 2 घंटे में ये सारी की सारी यहाँ पर कड़ी पकौड़ी है, कड़ी कचौरी है, वो सब ख़त्म हो जाता है। छोटी सी ये दुकान है लेकिन यहाँ पर आपको भीड़ देखने को बहुत मिलेगी। तो आपको हिंग का जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा आता है, जिससे कि ये कड़ी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाती है। और कड़ी पकौड़ी का जो प्राइस है वो 20 रुपये पर प्लेट है। तो इसके बाद जो हमने दूसरा यहाँ का प्रमुख ब्रेकफास्ट है वो है बराहा घाट के बिल्कुल सामने ही आपको पिज़्ज़ा पोहा पकवान करके मिलता है, हमारे लिए एक तरह की बिल्कुल नई खोज थी। तो यहाँ पर आके वो भी टेस्ट कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है पिज़्ज़ा पोहा पकवान का वो 60 रुपये है, बहुत ही ज़्यादा जो हमें पसंद भी आया। इसके अलावा पुष्कर में आपको सुबह सुबह यहाँ पर जो कर्ड राइस हैं, मसाला राइस हैं, वो भी खाने को मिलेंगे, वो भी आप टेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। पुष्कर के मालपुए, पुष्कर में आप ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं तो दूसरी सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर की जिसके लिए पुष्कर जाना जाता है वो है पुष्कर के मालपुओं के लिए। आपको यहाँ पर लगभग पुष्कर के बाज़ारों में 100 से ऊपर दुकान होगी, यहाँ पर आपको मालपुए ही दिखेंगे बनते हुए, देसी घी के जो मालपुए हैं। और जब आप ब्रह्मा मंदिर जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो इन गलियों में से आपको बनते हुए ये मालपुओं की ही खुशबू आती है। तो पुष्कर के आसपास के क्षेत्र में गुलाब की खेती बहुत ही बड़े स्तर पर होती है, तो यहाँ अगर आप पुष्कर में आते हैं तो अपने घर के लिए गुलकंद भी ले जा सकते हैं जो कि यहाँ पर बेहद ही प्रसिद्ध है। तो ये तो हो गई पुष्कर में मिलने वाले व्यंजनों की बात। तो चलिए बाकी तीर्थों के दर्शन करने से पहले आपको पुष्कर झील और पुष्कर के घाटों का महात्म्य बताते हैं। पौराणिक इतिहास के अनुसार इस तरह से द्वापर युग में नैमिषारण्यम तीर्थ का, कलयुग में गंगा का महत्व है, उसी तरह से सतयुग में पुष्कर झील का महत्व था, और आज के समय में यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं। माना जाता है कि पुष्कर झील में स्नान करने से कई तरह की जो शारीरिक और मानसिक बाधाएं दूर होती हैं। तो आप पुष्कर के इन 52 घाटों पर बैठकर पुष्कर झील की सुंदरता को निहार सकते हैं, और ये काफ़ी आनंद देने वाले क्षण होते हैं। और एक खास जानकारी आपके लिए, जब आप ब्रह्मा मंदिर से पुष्कर के बाकी मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाते हैं पुष्कर के बाजारों में से होकर, तो आपको एक तरफ तो बाजार दिखेंगे, दूसरी तरफ आपको यहाँ पर पुष्कर के 52 घाटों के भी दर्शन होंगे। 5-6 दुकानों के बाद यहाँ पर पुष्कर घाट तक जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है, और पुष्कर के जो मुख्य घाट हैं वो गऊ घाट है यहाँ पर, और इस गऊ घाट का जो निर्माण है मैडम क्यूरी करके, उन्होंने इस गऊ घाट का यहाँ पर निर्माण करवाया था। यहाँ का ब्रह्मा घाट है जो कि पुष्कर का सबसे मुख्य घाट है, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए इस घाट को चुना था, तो इसलिए इसका नाम ब्रह्मा घाट है। इसके अलावा यहाँ पर पुष्कर का प्रधान वराह घाट है, इसे प्रधान वराह घाट इसलिए कहा जाता है और ये सबसे प्रसिद्ध है क्योंकि इसके आसपास ही पुष्कर की मुख्य सारी गतिविधियाँ होती हैं। जितने भी प्राचीन मंदिर हैं पुष्कर के वो प्रधान वराह घाट के आसपास ही मिलेंगे।
तो अभी हमने पिज़्ज़ा पोहा पकवान खा लिया है जो प्रधान वराह घाट के बिल्कुल सामने है। तो इसके बाद अब हम अगले मुख्य तीर्थ स्थल वराह मंदिर के लिए निकलेंगे जो कि जहाँ से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। पुष्कर में आपको हर तरफ यहाँ पर जो एक दूसरे का अभिवादन करते हैं वो जय श्री पुष्कर राज से करते हैं। वराह मंदिर पुष्कर का एक पौराणिक मंदिर है। यहाँ पर आपको भगवान वराह जी अपने जो सिंह पर धरती उठाते हुए दिखाई देंगे। वराह मंदिर समर्पित है भगवान विष्णु जी के अवतार को। तो भगवान विष्णु जी ने वराह का जो अवतार लिया था वो माँ धरती को पाताल लोक से निकालने के लिए लिया था। तो ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो हमें दिखाई देती है वो धर्मराज जी की प्रतिमा दिखाई देती है। और यहाँ पर धर्मराज जी को जो राई की कटोरी चढ़ाने की प्रथा है। उसके बाद धर्मराज जी की मूर्ति के पास यहाँ पर सामने भगवान गरुड़ जी की मूर्ति है जो कि गर्भगृह के बिल्कुल सामने स्थापित की गई है। गरुड़ भगवान विष्णु जी का वाहन है। भारतीय पुराणों में गरुड़ को इतना विशालकाय पक्षी बताया गया है कि अपनी चोंच से हाथी को भी उठा लेता था। और इस मंदिर को एक किले के रूप में यहाँ पर शेप दी गई है। उसका जो मुख्य कारण यह है कि इस मंदिर पर समय समय पर औरंगजेब द्वारा मुगलों द्वारा बहुत से आक्रमण किए गए। इस मंदिर के बनने और बिगड़ने की कहानी बहुत ही दिलचस्प रही है। कई बार इस मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की गई और कई बार इसका जीर्णोद्धार हुआ। यहाँ पर यवन आक्रमण भी हुए तो उस समय के राजा महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह द्वारा इस मंदिर को एक किले का रूप दिया गया जो आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये मंदिर बेहद ही खास विशेषता रखता है पुष्कर धाम में। तो आप इस मंदिर के आकर भी दर्शन कर सकते हैं। तो ब्रह्मा मंदिर से इस मंदिर की दूरी है वो लगभग 1 किलोमीटर है। तो अब बात करते हैं पुष्कर के चौथे मुख्य मंदिर की जो कि वराह घाट से ही 100 मीटर की दूरी पर है। जिस तरह से जो वराह मंदिर था 200 मीटर की दूरी पर, इसी तरह से जो पुष्कर का चौथा मंदिर है रंगजी मंदिर है, ये पुष्कर के वराह घाट से 100 मीटर की दूरी पर है। जो रंगजी मंदिर की मुख्य विशेषता है वो ये है, जो ये रंगनाथ जी का मंदिर है जो उत्तर भारत में पहला मंदिर था जो कि दक्षिण शैली में बनाया गया था। दक्षिण भारतीय एक व्यापारी थे, उनके द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। ये मंदिर बेहद ही खूबसूरत है, बेहद ही विशाल है ये मंदिर। आप यहाँ पर आकर इस मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। यह मंदिर भगवान रंग जी को समर्पित है। मंदिर में आपको भगवान रंग जी जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार माने गए हैं उनके दर्शन होंगे, उनके साथ ही माँ लक्ष्मी जी के भी दर्शन होंगे। पुष्कर धाम की अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया समय रहता है यहाँ पर अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, जब यहाँ का मौसम भी ठंडा रहता है। पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का जो महोत्सव है पूरे देश और विदेश में प्रसिद्ध है, इसे कि पुष्कर मेला कहते हैं। और ये पुष्कर मेला अब एक अंतर्राष्ट्रीय रूप ले चुका है। इस पुष्कर मेले में देसी और विदेशी पर्यटक बड़े ही तादाद में आते हैं। तो आप चाहें तो पुष्कर धाम की यात्रा इस पुष्कर मेले के दिनों में कर सकते हैं। 8 से 10 दिन तक ये पुष्कर का मेला चलता है। इसके अलावा पुष्कर में जो एक और पौराणिक प्राचीन मंदिर है भगवान शिव का, यहाँ पर भगवान शिव को अटपटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। अटपटेश्वर महादेव मंदिर की दूरी वराह घाट से 200 मीटर की है। पुष्कर धाम तक पहुँचने के विकल्प, अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो नज़दीकी हवाई अड्डा है वो है जयपुर। जयपुर से पुष्कर तक आपको पहुंचने के लिए 3 से 3.5 घंटे लगेंगे, आप गाड़ी भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाई बस आ रहे हैं या बाई ट्रेन आ रहे हैं तो पुष्कर तक सीधा ट्रेन नहीं पहुंचती, क्योंकि पुष्कर के तीनों तरफ ही यहाँ पर पहाड़ हैं, पहाड़ों से घिरा हुआ है पुष्कर धाम। यहाँ पर अजमेर जंक्शन करके है, वहाँ तक ट्रेन पहुँचती है। और अजमेर से जो पुष्कर की दूरी है वो मात्र 15 किलोमीटर है। आप 20 से 25 मिनट में पहुंच जाते हैं। आप ऑटो भी कर सकते हैं, टैक्सी भी कर सकते हैं। और अगर आप खुद के वाहन से आ रहे हैं तो पुष्कर तक सीधा कार जा सकती है। तो इस तरह से जो अजमेर जंक्शन है वो पुष्कर धाम तक पहुंचने के लिए मुख्य स्थान है। तो अब बात करते हैं पुष्कर में रहने की सुविधा के बारे में। मंदिर के आस पास ही आपको बहुत सी सुविधाएँ मिल जाएंगी आपको यहाँ पर रहने के लिए, जिसका जो चार्ज है शुल्क शुरू होता है 500 रुपये से लेकर 800 रुपये तक है नॉन एसी का। इसके अलावा अगर आपको एसी धर्मशाला लेनी है तो उसका 800 से लेकर 1000 रुपये तक है। तो हमारा स्टे था यहाँ पर कान्हा हवेली में, हमने जो एसी रूम लिया था हमें 800 रुपये का मिला था। बहुत ही बढ़िया और साफ़ सुथरी हवेली थी। इसकी जो दूरी थी मंदिर से वो लगभग 300 मीटर की थी, लेकिन आपको इतनी दूरी में ही लेना पड़ेगा क्योंकि बाज़ार आ जाते हैं ब्रह्मा मंदिर के आसपास।
तो ये थी पुष्कर धाम यात्रा की संपूर्ण जानकारी। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। जय श्री पुष्कर राज।